नमस्कार, आप देख रहे हैं हेडलाइंस 24 समाचार चैनल। आइए रुक करते हैं आज की खबरों की ओर। भोपाल कटारा हिल्स में श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन संपन्न हो रहा है। कथा में पंडित कथावाचक जितेंद्र भार्गव ने राजा बलि की कथा सुनाई एवं श्री कृष्ण का जन्मोत्सव मनाया। आयोजन मातृशक्ति द्वारा संपन्न हो रहा है। वहीं समाज सेवी एवं भोले के परम भक्त रामविलास टाले गुजर अध्यक्ष श्री बाबा अमरनाथ धर्मार्थ समिति ने बताया कि भगवान श्री राम का मंदिर बन गया है और इसी प्रकार धर्म का प्रचार प्रसार होता रहेगा तो निश्चित तौर पर मथुरा में भगवान श्री कृष्ण का कृष्ण भी स्थापित होंगे। आयोजक मातृशक्ति महिला मंडल LIG कटारा हिल्स श्रीमती नेहा सोनगिरा, सरपंच बावली श्रीमती प्रभा गढ़वाल, श्रीमती सविता चायल, श्रीमती हेमा विश्वकर्मा, श्रीमती लता पटेल गुजर, श्रीमती अनीता मालवीय, श्रीमती ज्योति मालवीय, श्रीमती नीतू भंडारी, श्रीमती निशा बछलिया, श्रीमती तनुजा कुशवाहा, श्रीमती राधा मालवीय, श्रीमती सुषमा टाले गुजर, श्रीमती उषा मालवीय, दिव्या गढ़वाल आदि रामविलास टाले गुजर, जानकी प्रसाद विश्वकर्मा एवं महिला मंडल सहित बड़ी संख्या में श्रद्धालु उपस्थित हुए। व्यक्ति का ना जाने क्या क्या जाएगा, इसलिए महाराज कोई भी धर्म में बाधा नहीं बनना चाहिए। प्रेम से कहना पड़ेगा, थोड़ा जोर से कहना पड़ेगा। एक बार और कहिए, फूल बरसाने वाली की। जो संकल्प हुआ महाराज भगवान ने अपना विराट स्वरूप धारण किया, एक पग में सारे शंकरी नाम पढ़ियो है। जटा शंकरी नाम पढ़ियो है। भगवान बलि के यहाँ बन गए, रक्षाबंधन का त्योहार आया, लक्ष्मी मैया को पता चला, ये बलिताओं ने भाग भी बढ़ाया ना कि जय हो बलि महाराज की जय हो, ऐसे परम सौभाग्यशाली। अरे कोल मरी राऊ अवधपुरी रंग कोल साधुवाद। आप लोगों के द्वारा भी धर्म का बहुत प्रचार प्रसार होता है, तो आप लोग भी अपने माध्यम से धर्म का प्रचार प्रसार करते रहें। हम लोग यहाँ बैठकर विशेष जो चरित्र हैं, आज ठाकुर जी का जन्मोत्सव भी हुआ, भगवान पधारे हैं, भगवान का प्राकट हुआ है। उससे पहले कई ऐसे चरित्र हुए जिन चरित्रों से हमारे जीवन में एक शिक्षा मिलती है कि हम कोई ऐसा कार्य करें जिससे कि एक समाज में नाम हो, एक भारतवर्ष में नाम हो और लोग हमें जाने के बाद भी यहाँ याद कर सकें, स्मरण कर सकें। लोग आते हैं और चले जाते, कोई जानता नहीं है, लेकिन कोई ऐसा करके जाए, कोई समाज के लिए, कोई राष्ट्र के लिए, कोई अपने गांव के लिए, जिससे कि लोग स्मरण करें। भगवान जब आए, भगवान ने प्रकृति की व्यवस्था को बनाया। भगवान क्यों आए? भगवान आए दुष्टों का संहार करने के लिए। पहले तो वो दुष्ट थे,
आज के समय में एक स्वरूप ही दुष्ट है। एक हमारी जो विचारधारा है वही कहीं ना कहीं कुछ दुष्ट विचारधारा हो गई है, तो उसको हमें सुधारना है, हमें संत वृत्ति को धारण करना है और भगवान ने जिस तरह से किया है हमको उसको जो है समझना है और वह करना है। बड़े ही आनंद के साथ आज भगवान का जन्मोत्सव हम मना रहे हैं, अभी मनाया है, इसके बाद में और अभी बधाइयां होंगी और भगवान का बड़े ही धूमधाम से प्राकट उत्सव होगा। एक और विशेष बात आज बोलते बोलते आई, दशरथ जी महाराज के लिए रघुकुल मणि श्रेष्ठ कहा गया, बाकी उनके राज्य में बहुत से लोग प्रकट हुए, हरिश्चंद्र जी महाराज हुए, दिलीप हुए, भागीरथ जी महाराज हुए जिन्होंने गंगा को प्रकट किया, लेकिन रघुकुल मणि नहीं कहा गया। क्यों? क्योंकि दशरथ जी महाराज ने राम को ही प्रकट कर लिया था, इसलिए उनको रघुकुल मणि श्रेष्ठ कहा गया। जो भगवान को प्रकट कर लेता है वो श्रेष्ठ हो जाता है। और आज एक और मैं अपने माध्यम से एक संदेश देना चाहूंगा ये सारे भारतवासियों को, हमारे यहाँ राजा बहुत आए, प्रधानमंत्री भी बहुत आए, लेकिन कहीं ना कहीं जो हमारे प्रधानमंत्री जी इस समय के नरेंद्र मोदी जी हैं, इन्होंने जो कार्य किया है, जब जब अब राम की बात आएगी, जब जब अयोध्या की बात आएगी, तो वह मोदी जी का चेहरा भी एक स्वर्ण अक्षरों में अंकित हो गया है, उनका भी नाम बच्चा बच्चा जो है जान पाएगा। यही संदेश है कि हम अच्छा करते रहें, हमारे बच्चों को अच्छे से संस्कार दें ताकि हमारा धर्म और जागृत हो, घर घर में संस्कार हमारे पहुंच सके। जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा। देखिए ये तो मेरा सौभाग्य है, भोले कृपा है, हमारे गुरु जी का आशीर्वाद है कि जहाँ भी धर्म का झंडा होता है सबसे पहले शायद भोले कृपा से निमंत्रण मुझे मिलता है। तो मैं ये सोचता हूँ धर्म के लिए मैं क्या कर सकता हूँ, तो एक उतावलापन जो होता है ना कि धर्म का झंडा लिए सदा चले चले, और जैसे ऊपर आज राम मंदिर का निर्माण हो गया है तो वो कितने सालों से कितने आए कितने चले गए जैसे भी गुरु जी ने बताया। इसके बाद अब मथुरा काशी की बारी है, और सबसे बड़ी बात देखिए यहाँ की नारी शक्ति जो मात्र शक्ति है, इन्होंने एक बीड़ा उठाया था कि इस प्रांगण में कथा होनी चाहिए। कैसे होनी चाहिए अभी आपस में उलझ रहे थे, कोई एक मेन पॉइंट पे नहीं पहुंच पा रहे थे कैसे होना चाहिए। सबका विचार हुआ, सब संगठित हुए हैं और मुझे भी बुलाया गया, मेरा सौभाग्य है। और आज ये नारी संगठन का देखिए मात्र शक्ति, कहते ना अभी हमने 8 तारीख को महिला दिवस पूरा देश ने मनाया, मैं तो कहता हूँ 8 तारीख को ही क्यों भाई, ये तो सालों साल नारी शक्ति, और जब तक नारी में शक्ति है तब तक इस देश का धर्म चलता रहेगा। नहीं देखिए मेरी पत्नी तो मेरे साथ है, मैं तो ये मानता हूँ और ये कहता हूँ जितनी पत्नियां हैं इनके सबके पति इनके साथ है, जब तो आज स्टेज पे खड़ी हुई है, अगर इनके पति इनके साथ नहीं होते तो ये आज प्रोग्राम नहीं होता। तो कहीं ना कहीं मॉरल सपोर्ट सबकी अपनी मजबूरियां हैं, लेकिन तन मन धन से इनको जो नारी शक्ति को सम्मान मिला है, घरों से जो आर्थिक मानसिक शारीरिक वो आज ये दिखाई दे रहा है। नहीं देखिए मुझे तो भोले ने वरदान ही दिया हुआ है कि मैं तो जहां भी धर्म का झंडा, ये मेरा सौभाग्य है। और आज देखिए कथा का चौथा दिन था पूरा, आपने देखा ये कितना धूमधाम जन्मोत्सव मना, और दूर दूर से लोग आए हुए हैं यहाँ पे इस कथा में। गुरुजी की वाणी में वो अमृत है कि जो सुनता है गुरुजी का नाम चले आता खींचा हुआ। दस मैं रामविलास टाले, प्रदेश अध्यक्ष श्री बाबा अमरनाथ धर्मार्थ सेवा समिति मध्य प्रदेश। कहानी है वो लंबी कहानी है, 2015 में हम पंडित जी को लेकर आए थे मथुरा वृंदावन से, और उसके बाद जो उनकी निरंतर उनकी वाणी से जो अमृत बरसने लगा, तो ऐसा सौभाग्य हमारा कि उनको हमने जाने नहीं दिया। देखिए कहते हैं एक मिनट देखिए कहते हैं लक्ष्मी के पीछे मत दौड़ो, लक्ष्मी चले आएगी, हमने लक्ष्मी नारायण को ही ले आए हैं, तो लक्ष्मी हमारे साथ अपने आप है। यही सब गुरुजी का आशीर्वाद, गुरुजी का वरदान है, और बस धर्म ऐसा चलता रहे। हमने जो प्रण किया है कि धर्म की झंडा जटा पूरे विश्व में लहराएंगे, और हम पिछले 14 साल से अमरनाथ लेके जा रहे हैं, उसमें भी देखिए हमने वो विपरीत परिस्थितियां देखी है कि वहां गोली चलते हुए देखी है। तो ये सब धर्म की बात है, जब धर्म का झंडा मजबूत होगा, धर्म का झंडा लेके चलने वाली इच्छा मजबूत होगी, तो धर्म ऊपर चलता रहेगा। सनातन धर्म की जय। भागवत कथा हो रही है यहाँ पे कटारा है, जिसमें यहाँ पे सभी महिलाएं शक्ति मिल गए, सभी महिलाओं मिलके कृष्ण जन्म मनाया है आज। कैसा आनंद आ रहा है? बहुत मजा आ रहा है, बहुत आनंद आ रहा है। सुषमा टाले जन्म था और हम लोग ने बहुत अच्छे से मनाया, इतना आनंद आया मात्र शक्ति के द्वारा। सभी ये सब ग्रुप के मेंबर मात्र शक्तियां हैं, और भी पूरी कॉलोनी वालों ने साथ दिया है, और हमें बहुत आनंद आया है, बहुत मजा। धर्म महिलाएं और हाँ मात्र शक्ति, इसीलिए तो उनका मात्र शक्ति नाम है, क्योंकि वो आगे आती हैं और धर्म की विजय होती है।
फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही। बने रहे हेडलाइन 24 समाचार के साथ। नमस्कार। ऐसी खबरों में बने रहने के लिए हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिए।